Hi, this is Sivansli from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. You are learning the human values and professional ethics. And today we are going to solve the MCQ on the first unit. First unit का मैंने सारा lecture video upload कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने सारा कुछ cover किया है, values cover किया है, human values cover किया है, value education cover किया है, self exploration cover किया है, and human aspiration cover किया है. तो ये सारे टॉपिक्स पे हम एमसीक्यू करेंगे. अराउंड 25 एमसीक्यू हैं जो आपकी यूनिट 1 से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गूगल सर्च एमसीक्यू है, प्रीवियस पेपर का भी एमसीक्यूज है इसमें. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे हैं एमसीक्यू के थ्रू. तो ये सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. तो आप प्लीज़ ये एमसीक्यू अच्छे से देख लेना, एंड तक देख लेना. मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी अगर इनकेस आपने लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो. बट बेटर ऑप्शन है कि पहले आप लेक्चर वीडियो देखो फिर आप एमसीक्यू करो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. द पर्पस ऑफ वैल्यू एडुकेशन इज टू. क्या है पर्पस, क्या है वैल्यू एडुकेशन का? पहला है आपका ऑप्शन ए, फॉस्टर यूनिवर्सल कोर वैल्यू. ये यूनिवर्सल कोर वैल्यू बताता है, मेक सिलेबस इजी. ऑप्शन नंबर सी, डेवलप द वैल्यू इन इंडिविजुअल. तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा बोथ ए एंड सी. सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, द सब्जेक्ट विच अनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड. तो वैल्यू एडुकेशन AKTU में पूछा हुआ है कि सब्जेक्ट कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बताता है, समझाता है कि व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, दैट इज द वैल्यू एडुकेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूज टू मैकेनिज्म, वन इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड व्हाट इज द अदर वन. तो अनदर वन इज द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन. फर्स्ट वन इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो आप नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हो और वो रिमेन आप में रहता है, चेंज नहीं होता है. और दूसरा जो लॉजिकली आप एक्सपेरिमेंटली उसको वैलिडेट करके फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन. तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का दो मैकेनिज्म है, वन इज नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड अनदर इज द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन. क्वेश्चन नंबर फोर, वंस वी नो व्हाट इज द वैल्यूएबल टू अस, दीज वैल्यू बिकम ऑन द बेस एंड द एकॉर फॉर. वैल्यू क्या होता है, जो मुझे पता चलता है कि ये वैल्यूएबल है, हमारे लिए वैल्यूएबल है, फिर वो वैल्यूएबल हमारा एक एक्शन में, बिहेवियर में, एक्शन में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एक्शन होगा. क्यों, वैल्यू बेस है आपके एटीट्यूड के लिए, आपके बिलीव्स के लिए, और बिलीव्स एटीट्यूड आप रिफ्लेक्ट करता है एक्शन के थ्रू. तो हियर क्वेश्चन इज आस्किंग दी इफ यू नो व्हाट इज वैल्यूएबल टू अस एंड दिस वैल्यू बिकम्स द बेसिस द एनकोर फॉर योर एक्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशन डैश आर नेसेसरी. क्या जरूरत है टू फुलफिल द ह्यूमन एस्पिरेशन, इच्छा पूरा, आदमी को अपनी इच्छा पूरा करने के लिए क्या चीज चाहिए. तो वैल्यू समझना है कि क्या वैल्यू है उसके का, और स्किल क्या है. ठीक है, देन बोथ वैल्यू एंड स्किल इज द करेक्ट आंसर. एस्पिरेशन दैट मीन्स आर होप और एम्बिशियस ऑफ अचीविंग समथिंग. क्वेश्चन नंबर सिक्स, स अस्तित्व मीन्स, अस्तित्व दैट मीन्स आपका एग्जिस्टेंस. ओके, तो करेक्ट आंसर इज द को एग्जिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर सेवन, अ हारमोनियस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय फॉलोइंग वैल्यूज. अब किस हारमोनी हमें जो पढ़ना है यूनिट सेकेंड थर्ड फोर्थ में, ये किन लेवल में हारमोनी होगा जो पूरे वैल्यू को क्रिएट करता है, दैट इज द इंडिविजुअल. खुद से हारमोनी बनाना, हारमोनी मेंटेन करना इज हारमोनियस. ठीक है, फैमिली के साथ, सोसाइटी एंड यूनिवर्स और नेचर. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए, अगर यूनिवर्स की जगह नेचर रहेगा दैट इज ऑल्सो करेक्ट. क्वेश्चन नंबर एट, हारमोनी शुड बी मेंटेन इन बिटवीन बॉडी एंड लाइफ, यस विद इन ह्यूमन बींग. ये करेक्ट है आपका, बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, यस सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, बिटवीन लाइफ एंड एनवायरमेंट विथ नेचर. सो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर. मैनी ह्यूमन वैल्यूज सीम गुड्स और राइट ड्यू टू, बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज
वैल्यूज बताते हैं कि ये गुड है, ये राइट है. क्यों? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीलिंग, इंटरनल हैप्पीनेस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस. सो दिस ऑल थ्री काउजेस जिसके कारण हम बताते हैं कि ये वैल्यू सही है या गलत है. ठीक है, तो ऑल ऑफ द एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. एन इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी. दैट मीन्स जो इंडिविजुअल पीपल है वो एस्पायरिंग फॉर यूनिवर्सल, आपका कुछ एस्पिरेशन है, बट आप वो एस्पायरिंग, वो डिज़ायर आप तभी कर सकते हो जब आप यूनिवर्सली उसको वैल्यू उसका समझोगे. ठीक है, दैट ऑर्डर विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल सोशल एंड इकोलॉजिकल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. द वैल्यू आर द आउटकम ऑफ, वैल्यू का आउटकम क्या है? वैल्यू आपको क्या देता है? रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पावर देता है आपको. ठीक है, आप वैल्यू की वजह से, वैल्यू एडुकेशन की वजह से आप रियलाइज करते हो और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. एज इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल सोशल एंड इकोलॉजिकल. जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट, जो यूनिवर्सली वो मोर एस्पायर कर रहा है, दैट मीन्स दे दैट पर्सन इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशली एंड इकोलॉजिकली. द वैल्यू इम्पॉर्टेंस फॉर रिलेशनशिप आर मैनी, दे मे इंक्लूड इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर. ठीक है, वैल्यू इम्पॉर्टेंस फॉर द रिलेशनशिप आर मैनी, दे मे इंक्लूड, मतलब जो रिलेशनशिप वैल्यू इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस रिलेशनशिप को जो मिल रहा है वैल्यू के थ्रू, वो क्या देता है? इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर बताता है. समृद्धि मीन्स प्रोस्पैरिटी, आपने ये सुना भी होगा समृद्धि. प्रोस्पैरिटी मीन्स हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम. सो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट. प्रोस्पैरिटी दैट मीन्स द हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम. क्वेश्चन नंबर 16. राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प द ह्यूमन बीइंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एनिमल कॉन्शियसनेस टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस. एनिमल कॉन्शियसनेस वो होता है जो फिजिकल फैसिलिटी से फुलफिल हो जाता है, बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आपको हैप्पीनेस भी चाहिए, मोर देन फिजिकल फैसिलिटी चाहिए आपको. अगर ये चीज़ मिल गया तो आपको दूसरी चीज़ की ख्वाहिश रहेगी. तो दैट इज द ट्रू. तो आपको राइट अंडरस्टैंडिंग जो ह्यूमन बीइंग का है वो ट्रांसफॉर्म करता है आपको, ये वैल्यू आपको राइट अंडरस्टैंडिंग देता है और वो आपको ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफॉर्म करता है एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में. तो दैट इज द ट्रू. समझ में आ रहा है ना? वैल्यू से आपकी क्या डेवलप हो रही है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. अंडरस्टैंडिंग से क्या हो रहा है? ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. द वैल्यू एडुकेशन हेल्प अस टू करेक्टली आइडेंटिफाई आवर एस्पिरेशन. दैट इज ऑल्सो ट्रू. द बोर्ड गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एडुकेशन आर यूनिवर्सल, रैशनल, करेक्ट हमने पढ़ा है अभी, नेचुरल एंड वेरी फेवरेबल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड कॉन्शियसनेस एंड लीडिंग टू हारमोनी. वैल्यू एडुकेशन की गाइडलाइन में है कि वैल्यू एडुकेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा, रैशनल वे में होगा, मतलब रैशनली लॉजिकल होगा, उसमें लॉजिक होगा, नेचुरली एक्सेप्टेंस होगा एंड वो हारमोनी को बूस्ट करेगा. ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. इज द सेल्फ एक्सप्लोरेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द प्रपोजल आर एक्सेप्टेबल इन नेचुरल मैनर और नॉट जस्ट इम्पोज एक्सटर्नली. तो दैट इज द ट्रू. द प्रपोजल विल बेस ऑन द सॉरी द सेल्फ एक्सप्लोरेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द प्रपोजल. कैसे इसका प्रोसेस किया था? प्रपोजल आपको मिलता है या तो आप नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर आप लॉजिकली उसको सोचते हो, एनालाइज करते हो, फिर आप डिसीजन लेते हो. सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इननेट्स, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव. सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम खुद को समझते हैं, खुद को पहचानते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21. द सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग्स बिटवीन व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली वांट टू बी. दैट इज आल्सो ट्रू. द सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज प्रोसेस ऑफ नोइंग ओन सेल्फ एंड थ्रू व्हाट नोइंग द इंटायर एग्जिस्टेंस. सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? अपने आप को समझना है और थ्रू नोइंग द इंटायर एग्जिस्टेंस. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23, फिजिकल फैसिलिटीज आर ब्लैंक एंड ब्लैंक फॉर एनिमल. फॉर एनिमल कॉन्शियसनेस के लिए क्या होता है, फिजिकल फैसिलिटी उसको कंप्लीट कर देता है, बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए फिजिकल फैसिलिटी जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, उसकी चाहतें कभी भी समाप्त नहीं होती है. ठीक है, द फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी एंड कम्प्लीटेड फॉर द एनिमल. बट अगर यहाँ पे ह्यूमन रहता तो नेसेसरी बट इनकम्प्लीटेड होता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक हेल्प द ह्यूमन बींग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एनिमल कॉन्शियसनेस टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस. कौन है जो करेक्ट आंसर इज राइट अंडरस्टैंडिंग विच हेल्प द ह्यूमन बींग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस. क्वेश्चन नंबर 25, द वर्किंग ओनली फॉर द फिजिकल फैसिलिटीज, जो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज पे फोकस करता है, दैट इज द एनिमल कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो ये आपका 25 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से कंप्लीट हो गए. अब मैं यूनिट टू का भी अपलोड कर रही हूँ, जिसमें हार्मोनी विद ह्यूमन बीइंग देखना है, खुद का हार्मोनी, मतलब खुद का खुद के साथ देखना है. ठीक है, सेल्फ एंड बॉडी के बीच में तालमेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए फॉर नोटिफिकेशन. और आप, मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगी, आज ही कर दूंगी. तो आपका 31 को एग्ज़ाम है, आप कल या फिर रात में देख सकते हो. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर पेपर एग्ज़ाम.